हाँ जी दोस्तों, तो एक और मंगल, एक और दंगल, बहुत सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपके लेके आ गया हूँ इस पूरे वीक की हमारी टेलीको इंडस्ट्री की। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज की पहली अपडेट जो कि आती है वी की तरफ से, एंड वी की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है इस टाइम पे। लेट्स सी, अगर हम रियल लाइफ सिचुएशन को इस टाइम पे देखें तो जहां एक तरफ जियो एंड एयरटेल धड़ल्ले से अपना 5G रोल आउट करते चले जा रहे हैं बैक टू बैक नए नए शहरों में, हर वीक कम से कम 10-15 नए शहर जुड़ जाते हैं उनके 5G के पूरे नेटवर्क में, वहीं पे वी की हालत इस टाइम पे ये है कंपैरिजन में कि अभी तक वी ने फंड रेज भी नहीं कर पाई है अपने इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए जिससे वो 5G के टॉवर लगा पाए। लॉन्च तो जी बहुत दूर की बात है। तो ये सिचुएशन देखते हुए कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज का ये कहना है कि भैया अगर ऐसा ही चलता रहा, अगर टाइमली 5G रोल आउट के साथ साथ अगर प्राइस हाइक नहीं किए वी ने, तो वी को अपनी दुकानें बंद भी करनी पड़ सकती है। वो टाइम आने में बहुत ज्यादा देर नहीं लगेगी क्योंकि इस टाइम पे अगर हम कंटिन्यूअसली देखें तो वी का जो सब्सक्राइबर बेस है बैक टू बैक मंथ ऑन मंथ गिरता चला जा रहा है। लोग नहीं स्टिक हो रहा है उसके ऊपर क्योंकि एक तो 5G की खुजली प्लस जो सर्विसेज वो ऑफर कर रहे हैं वो शायद इतनी प्रॉपर नहीं मिल पा रही हैं यूजर्स को, या उनकी एक्सपेक्टेशन जितनी अच्छी नहीं मिल पा रही है। आपको क्या लगता है यार, अगर सच्ची में वी का डाउनफॉल हो जाता है तो क्या ये एक बहुत खराब सिचुएशन नहीं बन जाएगी पूरे इंडिया में कि सिर्फ दो ही प्लेयर्स पूरे रूल कर रहे हैं इस मार्केट में, टेलको इंडस्ट्री में? आपको क्या लगता है नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगली अपडेट 5G को लेके है, एंड ओपन सिग्नल ने यहाँ पे एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें पता चल रहा है कि 5G तो भैया इंडिया को भार आए, लोग दबा के 5G डेटा यूज कर रहे हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली स्ट्रीमिंग कर रहे हैं क्योंकि इतना ज्यादा महंगा डेटा यूज करके ऑब्वियसली टॉरेंट्स तो डाउनलोड नहीं कर रहे होंगे, वैसे अभी के लिए फ्री चल रहा है तो कह भी नहीं सकते। रिपोर्ट के हिसाब से अगर देखें तो कोलकाता सब चीजों में आगे है, चाहे वो डेटा यूसेज हो या फिर एक्टिव सिग्नल का एक टाइम पे सब लोगों को मिलना। डाउनलोड स्पीड अगर 5G की देखी जाए ऑन एन एवरेज इंडिया में 4G के कंपैरिजन में 26.2 टाइम्स ज्यादा आ रही है, लेकिन ये बात तब की है जब अभी जस्ट रोल आउट हो रहा है। जब 4G रोल आउट हुआ था तब उसकी भी स्पीड्स बहुत अच्छी थी। आपको क्या लगता है जब 5G पैन इंडिया अच्छे से रोल आउट हो जाएगा, जब अच्छा खासा यूजर बेस उसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या ये स्पीड्स मेंटेन रहेंगी या फिर धड़ल्ले से नीचे ग्राफ गिर जाएगा? जो भी लगता हो बताना जरूर। अगली अपडेट है ट्राई के डंडे को लेके। ट्राई एक के बाद एक नए नए डंडे देती जाती है टेलकोस के बम पे, क्योंकि एक बार ये फिर से नया डंडा लेके आ गए हैं कि अब ये बोल रहे हैं कि अगर किसी भी एरिया में अगर नेटवर्क डाउन होता है, वहाँ के जिले के पूरे लोग परेशान होते हैं 4 घंटे से ज़्यादा अगर किसी भी टेलको का नेटवर्क डाउन होता है, तो ऐसी सिचुएशन में ट्राई को विद इन 24 आवर्स पूरी एक कंप्लीट डिटेल्ड रिपोर्ट चाहिए जिसके अंदर ये मेंशन होना चाहिए कि कितने टाइम से कितने टाइम तक ये सर्विस में परेशानी रही, इसका रूट कॉज क्या था एंड कितने टाइम में एक्शन लिया गया मेन प्रॉब्लम का, आगे से क्या इसमें ऐसा सॉल्यूशन किया जा रहा है जिससे कि ये दोबारा नहीं होगा। ये सारी की सारी रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर चाहिए ट्राई को, जिससे ये समझ में आ रहा है कि ट्राई ढंग से डंडे लेके भग रही है। क्वालिटी ऑफ सर्विस पे बिल्कुल इनका फर्स्ट प्रायोरिटी है कि लोग जितना पैसा दे रहे हैं उनको पूरी क्वालिटी डिलीवर हो। ज्यादातर जो इस तरीके की सिचुएशन बनती है ना, वो हिली एरियाज में बनती है अगर हम कंपेयर करें सिटी से, तो क्योंकि हिल में थोड़ा सा फॉग का इशू है या फिर कभी कोई नेटवर्क डिस्ट्रप्शन हो जाती है, तो ऐसे में यहाँ पे एक और डंडा तैयार हो चुका है। अगली अपडेट है OTT के दुश्मनों को लेके। OTT अगर आप ध्यान से देखो ना, तो 2 दुश्मनों से लड़ रहा है हमारे देश में। पहला तो टेलकोज, क्योंकि टेलकोज कह रहे हैं कि भैया अपने मार्जिन में से हमको रेवेन्यू शेयरिंग दो क्योंकि हमारे बूते पे तुम चल रहे हो, एंड दूसरा है यहाँ पे DTH जो उनका सबसे पहला कॉम्पिटिटर था। लोगों को डिसाइड करना पड़ रहा है आज की डेट में कि वो DTH पे जाएं या फिर फुल OTT पे शिफ्ट हो जाएं। एक तरफ DTH के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो OTT पे टेंडेंसी ज़्यादा आ रही है, लेकिन एक फ्लॉलेस जो पिक्चर चलती है अगर आपकी नेट कनेक्शन की स्पीड कम है तो वो आपको OTT पे इतनी ज़्यादा शायद देखने को ना मिले, उसके लिए क्लासिक DTH वाला सिस्टम चल रहा है। तो ऐसे में सारी बड़ी DTH कंपनीज ने OTT को इंटीग्रेट भी कर दिया है, लेकिन फिर भी TV की जो व्यूअरशिप है वो ड्रॉप होती चली जा रही है। उन्होंने सारे नुस्खे अपना के देख लिए, प्लान बंडल निकाल के दे दिए अलग अलग तरीके के, लेकिन इट सीम्स लाइक नथिंग इज वर्किंग। ऐसा लग रहा है कि जो DTH वाले प्लेयर्स है ना, उनको शायद एक कोई दूसरी अप्रोच फिगर आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि जस्ट लाइक वाईफाई एक एक घर के अंदर घुस गया जस्ट विद वन स्कीम कि भैया वाईफाई राउटर फ्री है, इंस्टॉलेशन फ्री है, बस हमसे जुड़ जाओ लॉन्ग टर्म के लिए, कमाते तो हम आपसे बाद में रहेंगे। इस तरीके कुछ ना कुछ अप्रोच शायद DTH वालों को लेके आनी पड़ेगी अगर उनको सस्टेन करना है तो, नहीं तो मुझे लगता है कि आने वाले 2 से 3 सालों में DTH कहीं पूरा खत्म ही ना हो जाए।
अगली अपडेट ना थोड़े से डेट्स एंड डुओपोली को लेके है। बेसिकली अगर हम आज की डेट में इन टेलको कंपनीज के डेट्स को देखें तो जो सबसे ज्यादा डेट है आज की डेट में, कर्जा जो सबसे ज्यादा है किसी भी कंपनी पे, वो है वी, जिसके ऊपर है 1,93,000 करोड़ रुपीज। वहीं पे जियो की तरफ देखें तो अप्रोक्सीमेटली 42,000 करोड़ एंड एयरटेल पे है 1,03,000 करोड़ के अप्रोक्सीमेट। सबसे ज्यादा कर्जा वी पे है, लेकिन ग्रोथ की जगह पे वहां पे सब्सक्राइबर्स लूज होते चले जा रहे हैं। सिर्फ अकेले जैन के मंथ में उन्होंने 13 लाख सब्सक्राइबर्स को लूज करा। वैसे सब्सक्राइब से याद आया, बटन दबा देना अगर नहीं दबाया हो तो। वी सब्सक्राइबर्स लूज कर रहा है, लेकिन वहीं पे जियो और एयरटेल हर महीने एड पे एड करे चले जा रहे हैं। फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है वी, जिसकी वजह से वो 5G के इक्विपमेंट्स भी ऑर्डर नहीं कर पा रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम ये जो डायरेक्शन जा रही है ना इंडिया में टेलकोस इंडस्ट्री को, तो वो जा रही है एक डुओपोली की तरफ। एयरटेल एंड जियो आर द ओनली प्लेयर्स जो अच्छे से आरओआई दे पा रहे हैं अपने इन्वेस्टर्स को, काइंड ऑफ अच्छी सर्विसेज दे पा रहे हैं, 5G की रोल आउट कर रहे हैं इतने अच्छे से, एंड नए नए प्लान्स, नए नए कुछ ना कुछ तरीके से मार्केटिंग करके नए सब्सक्राइबर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, विच इज द ओनली थिंग जिससे ये सस्टेन करेंगे लॉन्ग टर्म में। अब लग रहा है कि शायद वी ने इतनी जगह पे इतनी अलग अलग तरीके से बात कर ली, शायद मुश्किल हो रही है फंड्स को मिलने में, एंड हो सकता है गवर्नमेंट को अगेन यहाँ पे शायद कुछ कदम उठाना पड़े वी को बचाने के लिए। एक तरफ गवर्नमेंट की ये भी बात है कि इंडिया में कभी भी डुओपोली खड़ी नहीं होने देगी, गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करके हेल्प करेगी, लेकिन दूसरी तरफ बात ये है कि अगर गवर्नमेंट ने वी को नहीं संभाला तो इवेंचुअली गवर्नमेंट का ही नुकसान होगा, क्योंकि वी में सबसे ज्यादा आज की डेट में हिस्सेदारी भी गवर्नमेंट की ही है। कहा जा रहा था स्टार्टिंग में कि वी के काम काज में गवर्नमेंट फालतू की उंगलीबाजी नहीं करेगी, इंटरफेयर नहीं करेगी, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि चाहते ना चाहते हुए करना पड़ेगा अगर कंपनी को बचाना है तो। अगली अपडेट है स्पेक्ट्रम को लेके। बेसिकली जो DOT है ना वो ब्रॉडकास्टिंग फर्म से सारा का सारा जो स्पेक्ट्रम है वो छीनने में लगा हुआ है। अब आप शायद सोच रहे हो कि यार फिर मैं टाटा स्काई या फिर एयरटेल DTH कैसे देखूंगा, तो अगले 15 सेकंड में शायद आपको ये पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। 5G है ना वो बेसिकली अभी N78 बैंड रोल आउट कर रहे हैं सारे ऑपरेटर्स जिसके ऊपर ये लोग वर्किंग कर रहे हैं, लेकिन जो ब्रॉडकास्टिंग फर्म्स होती हैं उनका जो स्पेक्ट्रम होता है वो उससे एक बैंड ऊपर होता है। जो DOT है ये ऊपर वाला स्पेक्ट्रम भी खरीदना चाहती है जिससे ऑपरेटर्स को ज्यादा बैंडविड्थ मिले, ज्यादा स्पीड ऑफर कर पाए, 5G एंड 6G के ऊपर ज्यादा ध्यान दे पाए। इवेंचुअली ये लोग चाहते हैं कि इंडिया सबसे एक बड़ा लीडर बने 5G 6G कोर टेक्नोलॉजीज ये लोग बना के फाइनली एक्सपोर्ट कर पाए अलग अलग देशों में। तो उसके लिए जरूरी है कि भैया पहले अपने देश का एक बढ़िया सा बेंचमार्क दिखा दो पूरी दुनिया को कि हमारे यहाँ कैसा 5G और 6G चलता है। उसके लिए DOT कुछ भी करने को राजी है इस टाइम पे, एंड इस तरीके से स्पेक्ट्रम खाली कराया जा रहा है, छीनने की कोशिश की जा रही है बेसिकली ब्रॉडकास्टिंग फर्म्स पे। अब ब्रॉडकास्टिंग फर्म्स क्या करेंगी, वो एक और ऊपर वाले लेवल पे शिफ्ट हो जाएंगी एंड उससे सर्विसेज पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। बेसिक सी कहानी ये है कि इंडिया शायद 5G एंड 6G को एक्सपोर्ट करना चाहती है डेवलपिंग नेशंस को, क्योंकि यूरोपियन जो सॉल्यूशंस है ना इस चीज के ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हैं, एंड इंडिया सोच रही है कि भाई सस्ते में दे सकते हैं, बिजनेस बड़ा कर सकते हैं, इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज आएगा, नोटों की बारिश होगी और इंडिया का थोड़ा सा शायद कर्जा भी कम हो जाएगा। आज की जो लास्ट अपडेट है वो है टैरिफ हाइक को लेके, एंड बेसिकली सीन ऐसा है कि जियो ने एक के बाद एक अपने नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करे, नए नए प्लान्स लॉन्च करे, फिर भले वो पोस्टपेड में हो या फाइबर में हो, एंड इवेंचुअली जो पहले प्राइस गैप था ना पोस्टपेड के प्लान्स में अगर एयरटेल वर्सेस जियो को देखें तो अप्रोक्सीमेटली जो गैप था वो 35-40% था, लेकिन जब जियो ने अपने पोस्टपेड प्लान को 199 से शिफ्ट कर दिया 299 पे, तो अब जो प्राइस डिफरेंस रह गया सबसे बेस प्लान्स में वो रह गया अप्रोक्सीमेटली 20-30%। तो ऐसे में पता चलता है कि जियो ये गैप को और ज्यादा नैरो डाउन करता चला जा रहा है। भले वो DTH मार्केट को डिसरप्ट करना चाहता है अपने नए फाइबर के ब्रॉडबैंड प्लान से जो कि 198 का निकाला इन्होंने, लेकिन ICICI सिक्योरिटीज का ऐसा मानना है कि ये सब करने से प्राइस हाइक को कोई नहीं रोक सकता। प्राइस हाइक फाइनली ऑन द कार्ड्स आ चुकी है, जैसे ही IPL खत्म होगा वैसे ही यहाँ पे कंपनीज जो हैं अपने प्रीपेड टैरिफ्स को हाइक कर सकते हैं। बेसिकली कंपनीज को अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए ARPU को इंक्रीज करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा अगर 5G के खर्चे निकालने हैं तो, एंड उसके लिए पैसा कहां से आएगा, पब्लिक से, जो करंट प्राइसेज हैं उसको थोड़ा सा राइज करके। तो कुछ लोग खुश होंगे कि IPL चल रहा है, लेकिन कुछ लोग निराश होंगे कि जैसे ही खत्म होगा वैसे ही ज्यादा पैसा देना स्टार्ट करना पड़ेगा। मछली को दाना दे दिया उन्होंने अनलिमिटेड 5G दिखा के और स्ट्रीमिंग वगैरह IPL फ्री दिखा के, लेकिन जैसे ही खत्म होगा अच्छे दिन जाने वाले हैं। तो ये कुछ था आज के इस पूरे एपिसोड में, आई होप आपको पसंद आया हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, एंड I'll see you in the next one. Till then, stay safe, stay sarcastic, see ya and goodbye.